हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रैंकी किड व्लॉग्स। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले उन सब लेडीज़ को जो भी वट सावित्री पूजा करती हैं, उन सभी को मेरे और कनिष्क की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी वट सावित्री पूजा। आप लोग में से कई लोगों को वट सावित्री पूजा के बारे में पता होगा। जो भी बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं उनको पक्का ही वट सावित्री की महत्व और उसकी सारी इम्पोर्टेंस पता होगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना वट सावित्री पूजा का कंप्लीट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो भी मैंने कल के दिन में किया था। ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर रही हूँ। वट सावित्री पूजा एक्चुअली कल हो चुकी है, जो कि फ्राइडे को था। ये वीडियो मैं सैटरडे को अपलोड कर रही हूँ, एक दिन लेट ही सही, बट इस ब्लॉग को देखिए, इन्जॉय कीजिए। बिकॉज़ हम बिहार से हैं तो हमारे लिए हर एक फेस्टिवल और हर एक फास्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आज के दिन मैंने फास्ट रखा हुआ था। मैं अपने घर से आ चुकी थी अपने मायके सेम डे। मैं काफ़ी लेट हो गई थी बिकॉज गुड़गांव से दिल्ली का ट्रैफिक बहुत लंबा था, तो मैं यहाँ से आ पहुँच चुकी थी मंदिर का। ऑलमोस्ट 12 बजे से पहले ये पूजा कर देनी होती है, तो मैं 12 बजे से पहले पहुँच गई थी। फिर भी पूजा करते करते मैं थोड़ी बहुत लेट ज़रूर हो गई थी। यहाँ पे मैं सीधा रेडी हो करके आ चुकी थी मंदिर में। मैंने जो भी बेना, इसमें पूजा में बेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बेना और फ्रूट्स रखने के लिए आपको टोकरी चाहिए होती है, वो सब मैंने एक दिन पहले ही गुड़गांव से ही ख़रीद लिया था। वो इमेजेस मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया है, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, कि साइड में इमेजेस अटैच कर दी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि कनिष्क मेरे किसी भी पूजा पाठ में मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं करता है। पता नहीं, वो भी उतना ही पार्टिसिपेट करता है जितना मैं मन से करती हूँ, उतना ही मन वो भी लगाता है। यहाँ पे आपको बर के पेड़ के नीचे ये पूजा करनी होती है। कई लोग घर पे भी करना पसंद करते हैं और कई लोग बर के पेड़ के नीचे भी आ कर के करना पसंद करते हैं, तो ये मैं पेड़ के नीचे आ गई हूँ। ये मंदिर के ही बैक साइड में है, वट का पेड़ होता है, उसके नीचे ही आपको ये पूजा करनी होती है। आप 5 पत्ते लेकर के उसके ऊपर सारे फ्रूट सामग्री जो भी आप लेके गए होते हैं, फ्रूट्स, आपको जो भी भगवान को चढ़ाना होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें बेना, जिसको पता नहीं और लोग समझ पाएंगे कि नहीं, इसे पंखा जो गर्मी में हम यूज़ करते हैं हवा के लिए, हम नहीं यूज़ करते, लेकिन चलिए गाँव में आज भी ये बेना यूज़ होता है, पहले के टाइम में यूज़ होता होगा। इस बेना को मैंने सिंपल ही लिया था, बट मैंने खुद इसको घर पे डेकोरेट किया है विद दी हेल्प ऑफ माय हस्बैंड। उन्होंने भी इस बेना को डेकोरेट करने में बहुत हेल्प किया था, बिकॉज सिंपल मुझे बेना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसको थोड़ा सा हमेशा हर साल मैं डेकोरेट करती हूँ। उस पर मैंने वी लिख दिया है फॉर विवेक, जो भी आपके हस्बैंड का नाम है आप उस अल्फ़ाबेट को यूज़ करके अपना बेना सजा सकते हैं। यहाँ पर मैंने वही किया था। पेड़ के नीचे सारा, पहले तो गंगा जल आप पेड़ को चढ़ाते हैं, उस पर हल्दी कुमकुम जो भी आपको लगाना होता है, जो भी पत्ते आप रखते हैं उसके सामने 5 दिया जला करके आपको इसमें टीका लगा के कुमकुम लगा करके उसके बाद उस पेड़ के फेरे लेने होते हैं। उस फेरे को आप 5, 11 या 21 बार उस फेरे को कर सकते हैं। आपके हाथ में काला चना पक्का होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं काला चना ले करके अपने हाथ में उसके फेरे ले रही हूँ। पेड़ के भी फेरे लेने इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप एक धागा होता है, लाल धागा, उसके साथ उसी को उस पेड़ के अराउंड आपको बांधना होता है, जो मैं अभी पूजा करने के बाद, वो लास्ट होता है कि आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद धागा लेकर के आपको पेड़ के 5 चक्कर या 11 चक्कर या फिर 21 चक्कर लगाने होते हैं। इस पूजा का बिहार में बहुत ही महत्व होता है। यहाँ पे ये फास्ट हम लोग हस्बैंड्स की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, उनकी खुशहाली ज़िंदगी के लिए रखते हैं, कि वो खुश रहे, सफलता हासिल करे, वो लाइफ में जो भी चाहते हैं, ये पूरा डेडिकेटेड होता है अपने हस्बैंड्स के लिए ही। आप हस्बैंड की खुशी के लिए ही ये पूजा करते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान जी ने, सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान को वो मौत से भी छीन करके लेके आई थी, बस उसी तरीके से हम उसी चीज़ को फील करके यहाँ पे वो पूजा करते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी फ्रूट्स लाए थे या प्रसाद मैं चढ़ा रही हूँ भगवान जी को, पहले हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद हम जल देते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं वैसे ही हम उसके बाद पानी पीते हैं, वैसे ही हम भगवान को जो भी चढ़ाते हैं, पहले उनको फ्रूट्स चढ़ाते हैं, उसके बाद उनको जल देते हैं। यहाँ पर मैंने टीका, फेरे लगाने से पहले यहाँ पे मैं 5 टीका करती हूँ कुमकुम से, उसके बाद मैं अपने हाथ में रोली ले करके
पूरा फेरे लगाना शुरू करती हूँ। जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ उसमें क्रैंकी किड मेरे साथ ही होता है। वो भी जो चीज़ें मैं करूँगी, अगर मैं पानी जल डाल रही हूँ तो उसको भी वो चीज़ करनी होती है, तो वो भी यहाँ पे मेरे साथ साथ ही कर रहा होता है। मैं यहाँ पे, आप आगे देखिएगा, अगर मैं फेरे ले रही होती हूँ तो वो भी मेरे आगे आगे पीछे पीछे घूमता है। और इसमें हाथ में, मैंने अपने हाथ में काला चना रखा हुआ है। आपको काला चना हाथ में लेकर के ही ये फेरे लगाने होते हैं। तो ये आप फेरे कितने भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 5, 11 या 21 बार ये फेरे आपको लगाने होते हैं। यहाँ पे शायद मैंने 5 बार ये फेरे लगाए थे। अब पता है, जब हम पूजा करते हैं तो मेरा एक तरफ ध्यान थोड़ा बहुत कनिष्क पे भी रहता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो अगर मैं पूजा में ध्यान दे रही होती तो साथ में मुझे कनिष्क को भी देखना पड़ता है कि हाँ वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है कि नहीं। तो वो भी यहाँ पे जल लेकर के, मैं साथ जा रही हूँ, वो मेरे पीछे पीछे जल लेकर के मेरे साथ ही फेरे भी लगा रहा है। इतना क्यूट लगता है वो, मतलब उसको इन सब चीज़ों में पता नहीं, इतना फीलिंग्स है भगवान के प्रति, इतना अटैच्ड है वो गॉड से, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं कितना सच है, लेकिन शायद हर बच्चे भगवान से बहुत जुड़े हुए होते हैं और ये ऑटोमेटिकली उनमें आना जायज सी बात है। कहते हैं कि इसमें हर लेडीज़ को जो भी ये फास्ट रखती हैं उनको 16 श्रृंगार करना पड़ता है। 16 ना सही, लेकिन बिछिया, बिंदी, चूड़ी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं मेन, तो बिहार में नथिया भी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मैंने नाक नहीं छिदाया हुआ है, मेरे हस्बैंड को भी उतना पसंद नहीं है, ना मेरे फैमिली साइड से किसी को इतना मुझ पर अच्छा लगता है, तो मैंने नाक नहीं छिदाया हुआ है, तो मैं नथिया नहीं पहनती हूँ। आर्टिफिशियल तो फिर भी मैं कभी कभी किसी किसी फेस्टिवल में पहन लेती हूँ, बट मुझे उतना अपने ऊपर अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोग को कैसा लगता है मेरे ऊपर, वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ पे जब हम फेरे ले लेते हैं उसके बाद कहते हैं कि उस पेड़ को गले भी लगाना होता है। और जैसे ये पूजा कंप्लीट होती है, सब बड़ों का पैर छू करके, पैर छूने के बाद सबका आशीर्वाद लेना होता है। कहते हैं कि 5 लोगों को आप सिंदूर लगाते हैं, उनके पैर छूते हैं और उनको जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया होता है वो प्रसाद देते हैं। लेकिन इस प्रसाद को सबसे पहले आपने जिसके लिए फास्ट रखा है उनको खिलाया जाता है, यानी कि आपके पति, उनको जो भी आपने फ्रूट चढ़ाया होता है सबसे पहले वो अपने पति को जा करके वो फ्रूट्स खिलाना होता है। अपने पति के लिए जो भी आपने चीज़ें ली होती है, या तो हम हैंकी लेते हैं या हस्बैंड्स को जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे चढ़ा करके उनको आप दे सकते हैं। यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा कंप्लीट। बाय चांस मैं कोई पूजा की विधि नहीं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, जितना मेरे से हो सका मैंने उतना ही शेयर किया है जितना मुझे पता था। हो सकता है कि मेरे पूजा पाठ में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम सॉरी बोल करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए काफ़ी लेट हो रहे थे, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, तो मैंने जल्दी जल्दी उनको टीका लगाया, उनको प्रसाद खिलाया, उनको बेना, उनको थोड़ा हवा भी देना होता है, जिससे हमने बट के पेड़ को हवा दिया होता है वही बेने का महत्व बहुत होता है, इम्पोर्टेंस बहुत होता है। तो उनको जो आपने चढ़ाया है उनके लिए वट पूजा में, वो चीज़ें उनको पकड़ा करके उनको बेना करते हैं और लास्ट में उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि आप सदा सुहागन रहें और हमारा और उनका परिवार खुशहाल रहे, खुशी आए घर में, हमेशा सुख शांति बनी रहे। इसी मैसेज के साथ मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते भी आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से अपने पतियों से प्यार करते रहिए, पतियों का साथ देते रहिए और उनकी खुशी जिंदगी के लिए फास्ट रखते रहिए। यहाँ पे कनिष्क भी अपने पापा को हवा दे रहा था उसी बेना से, वो तो जो मैं करूँगी वो मेरे पीछे पीछे उसे रिपीट करता ही है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्रैंकी किड व्लॉग्स। बाय बाय।